हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने माइटोसिस कवर किया था। माइटोसिस का हमारा लास्ट पॉइंट था साइटोकाइनेसिस। हमने देखा था कि कैरियोकाइनेसिस फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, मतलब साइटोकाइनेसिस कैरियोकाइनेसिस के बाद होता है, लेकिन किसी किसी कंडीशन में साइटोकाइनेसिस कैरियोकाइनेसिस के बाद नहीं होता है। तो उसमें क्या होता है, उसमें मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन बन जाती है, मतलब सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड कर रहे थे और न्यूक्लियस डिवाइड कर करके कई सारे न्यूक्लियस हो गए और सेल एक ही है, जिसको मल्टी न्यूक्लियेटेड कंडीशन बोलते हैं। और इसके लिए एक नाम दिया जाता है जिसको हम बोलते हैं सेंसाइटियम। तो सेंसाइटियम देखने को किसमें मिला है, फॉर्मेशन ऑफ सेंसाइटियम इन लिक्विड एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट। कोकोनट के लिक्विड एंडोस्पर्म में सेंसाइटियम देखने को मिलता है। आज हम शुरू करेंगे मियोसिस को। जैसे यहाँ पे सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस हमने देखे थे कि इस किस काम में आ सकती है। तो सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस इक्वेशनल डिवीजन होता है, न्यूक्लियोप्लाज्मिक रेशियो मेंटेन करेगा, न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो सेल रिपेयर में हेल्प करता है और ग्रोथ में हेल्प करेगा। नेक्स्ट है मियोसिस। मियोसिस क्या है, मियोसिस एक रिडक्शनल डिवीजन है। किस तरह से रिडक्शनल डिवीजन है, ये दो पार्ट्स में होता है। जैसे कि अगर कोई पेरेंट सेल है वो जीवन फेज में है, और जब वो जीवन फेज में है तो ये पहले ग्रोथ करेगी, ग्रोथ करने के बाद ये पहला मियोसिस करेगी, इसको मियोसिस वन बोलेंगे। और मियोसिस वन जो होता है वो रिडक्शनल डिवीजन होता है। उसके बाद दो डॉटर सेल बने, ये दोनों डॉटर सेल फिर से डिवाइड करेंगी, और दोनों डॉटर सेल जब फिर से डिवाइड करेंगी तो ये चार रिजल्टेंट डॉटर सेल बनती हैं, जो कि मियोसिस सेकंड के द्वारा बनती हैं। और मियोसिस सेकंड जो होता है वो एक इक्वेशनल डिवीजन होता है। तो अगर मैं कहूँ तो यहाँ पे 2n अगर कंडीशन थी तो यहाँ भी 2n रहेगी, लेकिन यहाँ n रह जाएगी और यहाँ भी n रहेगी, क्योंकि मियोसिस सेकंड इक्वेशनल था। अब हम इस डॉटर सेल को अगर पेरेंट सेल से कंपेयर करते हैं, अगर हम इस डॉटर सेल को पेरेंट सेल से कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये सिंगल है सेट है, ये डबल सेट है, मतलब कि यहाँ पे डिप्लॉइड कंडीशन है और ये डॉटर सेल में हैप्लॉइड कंडीशन है। तो ये रिजल्टेंट डिफरेंस होता है पेरेंट सेल और डॉटर सेल के बीच में, कि नंबर ऑफ क्रोमोजोम बिकम्स हाफ। तो अब क्या होगा इसमें, क्यों इसका यूज करते हैं, इसका यूज कुछ इसलिए किया जाता है कि मान लो कोई 46 क्रोमोजोम है किसी पर्सन के पास और दूसरे पर्सन के पास 46 क्रोमोजोम है, एक को हम मेल मान लेते हैं और दूसरे को फीमेल मान लेते हैं। अब क्या होगा अगर माइटोसिस से गैमिट बना, इसका गैमिट बनाने के लिए यूज किया जाता है। अगर माइटोसिस से गैमिट बनाए तो माइटोसिस से गैमिट बनाने से होगा क्या, कि गैमिट भी 46 क्रोमोजोम का ही बनेगा और इधर भी गैमिट 46 क्रोमोजोम का बनेगा। अब इन दोनों गैमेट्स का अगर फर्टिलाइजेशन कर देते हैं तो 92 क्रोमोसोम का जाइगोट बनेगा, 92 क्रोमोसोम का जाइगोट बनेगा। और हम यहाँ ऑब्जर्व कर पा रहे हैं यहाँ से 46 से 92 बना, नेक्स्ट अगर जनरेशन आएगी तो डबल होता चला जाएगा, तो ये एबनॉर्मलिटी क्रिएट होगी, इसलिए ये गलत हो जाएगा, इसलिए ये ऐसा नहीं होगा। तो इससे बचने के लिए क्या करते हैं, इससे बचने के लिए यहाँ पे मियोसिस का यूज करते हैं। जैसे कि 46 अगर क्रोमोजोम है पेरेंट सेल के पास, 46 क्रोमोजोम है दूसरे पेरेंट के पास, इसको मेल माने इसको फीमेल माने, तो यहाँ पे 23 का क्रोमोजोम होना चाहिए, 23 क्रोमोजोम होना चाहिए गैमिट में, तब इसका फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन होने के बाद यहाँ पे 46 का जाइगोट बनेगा, इसलिए इसका यूज किया जाता है, इसलिए यहाँ पे मियोसिस का यूज करते हैं गैमिट बनाने के लिए। और क्या काम है, क्या हमेशा गैमिट बनाने के लिए मियोसिस ही होगा, तो ऐसा भी नहीं है, कुछ जगह पे माइटोसिस से भी गैमिट बनाया जाता है। मगर अगर हम कहें जिसकी प्लॉइडी ऑड है, जिसकी प्लॉइडी ऑड है, जैसे कि एक 1n हो गया, 3n हो गया, 5n हो गया, 7n हो गया, एक्सेट्रा, तो ये जितने भी हैं ये सभी मियोसिस नहीं करते, मियोसिस नहीं करेंगे,
ये जितने भी ऑड नंबर वाले होते हैं ये ऑड नंबर प्लॉइडी वाले होते हैं, मियोसिस नहीं करते। क्यों? क्योंकि मियोसिस का काम होता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम इक्वली हाफ करना। नंबर ऑफ क्रोमोसोम इक्वली हाफ इसमें कर नहीं सकते, 1n में, 3n में भी नहीं कर सकते, 5n में भी नहीं कर सकते और 7n में भी नहीं कर सकते। जबकि माइटोसिस इन सब में हो सकता है, ऑड वाले में माइटोसिस हो सकता है। इवन वाला कौन सा होता है, जैसे 2n हो गया, 4n हो गया, 6n हो गया, 8n हो गया, इन सब में हम मियोसिस भी कर सकते हैं और माइटोसिस भी कर सकते हैं, दोनों इसमें किए जा सकते हैं। क्योंकि ये अगर माइटोसिस करेंगे तो इक्वेशनल डिवीजन हो जाएगा और मियोसिस करेंगे तो रिडक्शनल डिवीजन हो जाएगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पे देखा यहाँ पे हमने ये सब देख लिया एक बार कि कौन क्या करेगा। नेक्स्ट यहाँ पे हम आते हैं कि इसका रोल क्या है। और तो हम कह सकते हैं मियोसिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है। क्या करेगा? फर्टिलाइजेशन के बाद जो डिप्लॉयड कंडीशन थी उसको रिस्टोर करेगा। फर्टिलाइजेशन के बाद डिप्लॉयड कंडीशन को रिस्टोर कराने का ये काम किया करता है, क्योंकि गैमिट्स हैप्लॉयड बनते हैं। अब मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड, इसको हम दो पार्ट्स में पढ़ते हैं। मियोसिस फर्स्ट में प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टेलोफेज फर्स्ट। इसमें मियोसिस सेकंड में प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड, टेलोफेज सेकंड, इन दोनों फेजेस के बीच में एक प्रोसेस, एक स्टेप आता है और उसको हम कह सकते हैं बहुत ही ज़्यादा छोटे समय के लिए, बहुत ज़्यादा कम समय के लिए एक प्रिपरेटरी फेज आता है जिसको हम बोलते हैं कैरियो इंटरकाइनेसिस। इसको हम बोलेंगे इंटरकाइनेसिस। इस इंटरकाइनेसिस को हम बहुत छोटे समय का प्रिपरेटरी फेज मान सकते हैं। क्या होगा इसमें? इसमें लिखा है मियोसिस फर्स्ट इज इनिशिएटेड आफ्टर द पेरेंटल क्रोमोसोम हैव बीन रिप्लिकेटेड। सिंपल, G1 फेज, उसके बाद S फेज, उसके बाद G2 फेज। मियोसिस हो या माइटोसिस हो, सभी में सेम रहेगा। इसके बाद जो M फेज आता है उसमें चेंज आता है। मियोसिस इन्वॉल्व्स पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। मियोसिस में होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग होगी, उसमें रिकॉम्बिनेशन होगा। रिकॉम्बिनेशन किस में होगा? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में होगा, होमोलोगस क्रोमोसोम में। चार तरह के हैप्लोइड सेल बन जाएंगे, चारों हैप्लोइड सेल डिफरेंट टाइप के होंगे। किस तरह के होंगे? डिफरेंट टाइप मतलब कि जेनेटिक मटेरियल के रेस्पेक्ट में। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या क्या होगा फिर इसमें। मियोसिस फर्स्ट का प्रोफेज वन हम पढ़ेंगे। मियोसिस फर्स्ट में पहला हम पढ़ते हैं प्रोफेज वन। प्रोफेज वन जो है मियोसिस फर्स्ट का या फिर पूरी मियोसिस का सबसे लॉन्गेस्ट फेज होता है। प्रोफेज वन मियोसिस का लॉन्गेस्ट फेज हुआ करता है एम फेज का। इसके पांच सब फेजेस होते हैं। कौन कौन से पांच सब फेजेस है? तो पहला लेप्टोटीन, फिर जायगोटीन, फिर पैकाइटीन, फिर डिप्लोटीन एंड देन डाइकाइनेसिस। तो कौन कौन से हो गए? लिप्टोटीन, जायगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन और डायकाइनेसिस। यहाँ पे इस तरह के देखने को मिलेंगे स्टेप्स। अब इसमें एक एक करके देखते हैं इन सभी को। सबसे पहला फेज था लिप्टोटीन। लिप्टोटीन जो लिप्टोटीन होता है इसको हम यहाँ पे देखते हैं कि इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन होगा। कंडेंसेशन कैसे इनिशिएट होगा? ये अभी सेल बनाई, सेल के साथ यहाँ न्यूक्लियस, ये जो न्यूक्लियस बनाया, अब इसमें यहाँ पे हमें
सेंट्रोसोम देखने को मिल रहा है, अभी इक्वेटर पे है। अभी सेंट्रोसोम अपोजिट पोल की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे, साथ में इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन इसमें देखने को मिलेगा। इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन में होता है क्या है, कुछ इस तरह की थ्रेड लाइक, अब यहाँ पे कंडेंसेशन शुरू हुआ है तो अभी जो क्रोमोसोम है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में है कुछ इस प्रकार से। तो ये सारे क्रोमोसोम एक जगह जाके जुड़े होते हैं, तो ये क्रोमोसोम एक्चुअल में क्रोमेटिड्स हैं। अब ये एक क्रोमोसोम के पास दो दो क्रोमेटिड है, एक क्रोमोसोम के पास दो क्रोमेटिड है, और वो दोनों क्रोमेटिड आपस में जुड़े हुए हैं कोहेसन प्रोटीन के द्वारा। ये जो जुड़े हुए होते हैं कोहेसन प्रोटीन के द्वारा जुड़े होते हैं। अभी जो कोहेसन प्रोटीन है इन क्रोमेटिड्स को अभी सेपरेट नहीं होने देगी, नेक्स्ट स्टेप में कहीं पे सेपरेट होगा। और ये सारे एक एंड इन सभी का, ये वाला एंड इन सभी क्रोमोसोम का फ्री होता है और एक एंड इनका अटैच्ड होता है न्यूक्लियर एनवलप से। अभी इस तरह की स्ट्रक्चर बन गई जैसे कि कोई बोके हो, इसीलिए इसको बोके स्टेज भी बोलते हैं। तो यहाँ पे कंडेंसेशन स्टार्ट हुआ, साथ में ये बुके स्टेज कहलाएगी, बुके स्टेज। अब ये हो गया लेप्टोटिन, लेप्टोटिन के बाद कंडीशन आती है जायगोटिन की। तो जायगोटिन में क्या क्या होगा, यहाँ पे अगर हम जायगोटिन को देखें तो जायगोटीन में हमें क्या देखने को मिलेगा। तो सबसे पहला काम पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। अब होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग अगर पढ़नी है तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होता है। जैसे कि किसी के पास अगर 46 क्रोमोसोम है, अगर ये किसी के पास 46 क्रोमोसोम है तो 46 क्रोमोसोम को अगर हम देखें तो 23 पेयर थे, तो 23 पेयर को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, 23 एक तरफ और 23 एक तरफ। उसमें से पहले नंबर का ये इधर भी, इधर वाले का भी सेट का पहले नंबर का ये, दूसरा ये, इधर भी दूसरा ये, तीसरा ये, इधर भी तीसरा ये, इस तरह से चलते रहेंगे। 23 वाला ये, 23 नंबर का ये, इस तरह से। अब अगर मैंने कहा कि पहले नंबर के क्रोमोसोम पे हाइट के लिए जीन था, तो दूसरे नंबर इसमें भी पहले नंबर के क्रोमोसोम के लिए हाइट के लिए ही जीन होगा। कहने का मतलब है जो ये फर्स्ट नंबर का क्रोमोसोम है और ये फर्स्ट नंबर का क्रोमोसोम है, दोनों में नंबर ऑफ जीन, साइज ऑफ क्रोमोसोम, नंबर ऑफ जीन, साइज ऑफ क्रोमोसोम, शेप ऑफ क्रोमोसोम, स्टेनिंग पैटर्न ऑफ क्रोमोसोम, सब कुछ सेम होगा, तो उनको हम होमोलोगस क्रोमोसोम बोलते हैं। जैसे कि ये दोनों आपस में होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये दोनों आपस में होमोलोगस क्रोमोसोम है, इसी तरह से ये दोनों आपस में होमोलोगस हैं, और इसी तरह से ये दोनों आपस में सारे होमोलोगस क्रोमोसोम है। क्या क्या सेम होगा, टाइप ऑफ क्रोमोसोम, बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम, स्टेनिंग पैटर्न ऑफ क्रोमोसोम, साइज ऑफ क्रोमोसोम, शेप ऑफ क्रोमोसोम और नंबर ऑफ जीन प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम आर ऑल्सो सेम। यहाँ तक हमने होमोलोगस क्रोमोसोम समझा। होमोलोगस क्रोमोसोम के बाद हम यहाँ पे एक और चीज समझेंगे, कि एक कंडीशन होती है नंबर ऑफ क्रोमेटिड्स के बेसिस पे, नंबर ऑफ क्रोमेटिड्स के बेसिस पे अगर एक क्रोमेटिड है तो हम कहेंगे मोनाड, अगर एक कंडीशन है तो हम कहेंगे मोनाड, अगर एक दो क्रोमेटिड दिखाई दे रहे हैं तो हम कहेंगे डायाड, और अगर इस तरह से डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम में दो क्रोमेटिड दिखाई दे रहे हैं तो हम कहेंगे इसको भी डायाड, अगर डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम के दो क्रोमोसोम दिखाई दे रहे हैं तो हम इसको कहेंगे टेट्राड। तो
ये एक क्रोमेटिड था इसके पास तो ये मोनाड, यहाँ पे हमें दो क्रोमेटिड दिखाई दे रहे हैं तो ये डायाड, यहाँ पे भी दो ही क्रोमेटिड दिखाई दे रहे हैं तो ये भी डायाड, यहाँ पे चार क्रोमेटिड दिखाई दे रहे हैं तो ये कहलाएगा टेट्राड। तो मोनाड, डायाड, डायाड, टेट्राड, ये जो सिक्वेंस होता है, ये जो नेमिंग होती है, ये बेस्ड ऑन नंबर ऑफ क्रोमेटिड्स, नंबर ऑफ क्रोमेटिड्स पे बेस हुआ करती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ पे हमें एक चीज और मिलेगी कि अगर एक क्रोमोजोम है, अब नंबर ऑफ क्रोमोजोम पर बेस्ड है, अगर एक क्रोमोजोम है तो वो मोनोवेलेंट कहलाएगा। क्रोमोजोम ये भी एक ही है जो कि डुप्लीकेटेड है तो ये भी मोनोवेलेंट ही कहलाएगा। अगर क्रोमोजोम कुछ इस प्रकार से दो हैं तो ये बाइवेलेंट कहलाएगा, और अगर क्रोमोजोम कुछ इस प्रकार से दो हैं, यहाँ भी क्रोमोजोम दो ही हैं तो ये भी बाइवेलेंट ही कहलाएगा। तो क्या क्या हमने पढ़ा, एक क्रोमोजोम मोनोवेलेंट, एक क्रोमोजोम मोनोवेलेंट, यहाँ क्रोमोजोम दो हैं तो बाइवेलेंट, और यहाँ भी क्रोमोजोम दो ही हैं तो बाइवेलेंट। तो मोनोवेलेंट बाइवेलेंट ये पता चले नंबर ऑफ क्रोमोजोम के बेसिस पे, मोनाड, डायाड, टेट्राड ये सब पता चले नंबर ऑफ क्रोमेटिड्स के बेसिस पे। तो यहाँ पे जायगोटिक में हमें ये पता चला पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम होगा, और जो पेयरिंग होती है होमोलोगस क्रोमोजोम की उसको हम बोलते हैं साइनेप्सिस, उसको हम बोलेंगे साइनेप्सिस। तो जायगोटिन में और क्या मिलेगा, जायगोटिन में साइनेप्सिस होगा। साइनेप्सिस क्या था, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम, और इसमें क्या होगा, बाइवेलेंट बनेगा साथ में साइनेप्टो निमल कॉम्प्लेक्स बनेगा। अभी क्या होता है यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे हम अगर जायगोटिन में देखते हैं कि जायगोटिन में क्या क्या हो रहा था, तो जो सेंट्रियोल थे, सॉरी सेंट्रोसोम थे, वो सेंट्रोसोम अपोजिट पोल की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। तो धीरे धीरे जा रहे थे अपोजिट पोल की तरफ, और जैसे ही अपोजिट पोल की तरफ जा रहे हैं तो इस तरह से जाते रहेंगे, कब तक जाएंगे, जब तक इक्वेटर पे ना पहुंच जाए, सॉरी पोल पे ना पहुंच जाए, तो अपोजिट पोल की तरफ ही जा रहे हैं। नेक्स्ट इसमें हुआ क्या था कि होमोलोगस क्रोमोजोम, होमोलोगस क्रोमोजोम को हम डिफरेंट कलर से रिप्रेजेंट करेंगे जिससे कि समझ आ जाए, बाकी स्टेनिंग पैटर्न सभी का सेम होता है। ये क्रोमोजोम था, ये क्रोमोजोम है, अभी इसमें कंडेंसेशन चल रहा है, और कंडेंसेशन कंडेंसेशन कब तक चलता है, कंडेंसेशन मेटाफेज तक चलता है जैसा कि हमने पढ़ा हुआ था। और यहाँ पे कंडेंसेशन इतना कंप्लीट नहीं हुआ है जिस वजह से क्रोमोजोम कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहे हैं। अब क्या होगा, अब यहाँ पे इसके साथ दूसरा इसका होमोलोगस क्रोमोजोम आ जाएगा। जो दूसरा होमोलोगस क्रोमोजोम आया वो कुछ इस प्रकार से है कि अभी इतने कंडेंस नहीं हुए जिस वजह से इनका जो क्रोमेटिड्स थे वो लगभग क्लियर दिखाई नहीं दे रहे हैं, लगभग अभी अभी इसमें एक ही क्रोमेटिड दिखाई दे रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कि इस क्रोमोजोम में एक अकेला क्रोमेटिड है और इस क्रोमोजोम में भी एक अकेला क्रोमेटिड है, लेकिन एक्चुअल में इसके पास भी दो क्रोमेटिड हैं और इसके पास भी दो क्रोमेटिड हैं। ये कुछ ऐसा हुआ कि एक क्रोमेटिड ये इसके जस्ट पीछे एक और क्रोमेटिड में बना दूं,
कुछ इस प्रकार से, तो वो दिखाई नहीं दे रहा, तो इस तरह से भी जुड़े हुए हैं। अब इतना बना। अब इसके बाद यहाँ पे एक प्रोटीनस कॉम्प्लेक्स और है, लैडर लाइक प्रोटीनस कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, ये कंडीशन यहाँ पे देखने को मिलेगी। अब यहाँ क्या क्या हुआ वो सब यहाँ देखते हैं। तो सबसे पहले तो ये दोनों क्रोमोसोम पास में आए हैं, तो इसको हम बोलेंगे साइनेप्सिस। ये दो होमोलोगस क्रोमोसोम पास में आए हैं, तो इसको हम बोलेंगे साइनेप्सिस। अब इसमें ये जो लेडर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये एक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है जिसको हम बोलते हैं साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स। इसको हम बोलेंगे साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स। अब ये जो साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स है, इसमें ये क्रोमोसोम दिखाई दे रहे हैं। इस क्रोमोसोम में जो कॉम्प्लेक्स बना है, ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में बना है। तो यहाँ पे नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स देखने को मिलेगी। अब आगे बात करते हैं, ये हम कह सकते हैं इनिशिएशन स्टेज है किसकी, जायगोटिन की। अब जायगोटिन की इनिशिएशन स्टेज है, तो ये जो क्रोमेटिड्स हैं सेपरेट अभी दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन जैसे जैसे इसमें कंडेंसेशन बढ़ेगा, तो यही वाले जो क्रोमेटिड्स हैं ये थोड़े से चेंज हो जाएंगे। हम कह सकते हैं ये जो ये है, ये अर्ली जायगोटिन है, जबकि ये लेट जायगोटिन हम इसको मान सकते हैं सब समझने के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा, कुछ इस प्रकार से क्रोमोसोम है, एक ये क्रोमोसोम जो बन रहा है, इसमें क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। यहाँ पे हमें क्लियर कट जो क्रोमेटिड्स हैं वो अलग अलग दिखाई दे रहे हैं सेपरेट होते हुए। ये क्रोमेटिड्स भी इसमें हमें एकदम क्लियर विजिबल है, जबकि इससे पिछले वाले डायग्राम में क्लियर विजिबल नहीं थे, क्योंकि यहाँ पे कंडेंसेशन बढ़ गया। और कंडेंसेशन बढ़ने की वजह से यहाँ पे क्या क्या होगा अब वो यहाँ देख रहे हैं हम। तो एक लेडर लाइक स्ट्रक्चर है बनी हुई है, और ये लेडर लाइक स्ट्रक्चर क्या है, लेडर लाइक स्ट्रक्चर वही कॉम्प्लेक्स है, कौन सा, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। अब ये जो साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स है, इसमें इस वाले में क्रोमेटिड हमें दो दिखाई दे रहे थे, इस वाले में दो क्रोमेटिड दिखाई दे रहे हैं, इसलिए हम कहेंगे यहाँ पे डायाड। लेकिन क्रोमोसोम कितने हैं यहाँ पे, दो क्रोमोसोम कितने हैं, दो। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम के बेसिस पे ये हो गया बाइवेलेंट, नंबर ऑफ क्रोमेटिड के बेसिस पे हो गया ये डायाड, क्योंकि दो ही अभी इसमें दिखाई दे रहे हैं, जबकि यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ भी दो है इसीलिए बाइवेलेंट, और यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमेटिड चार दिखाई दे रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हम टेट्राड वर्ड यूज करेंगे। तो ये क्या है, बाइवेलेंट डायाड, और ये है बाइवेलेंट टेट्राड। तो यहाँ पे हमें जायगोटिन की स्टेज समझ आ गई होगी। ये साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स अभी भी बना हुआ है। अब इसमें ये जो क्रोमोसोम दिख रहा है, इस क्रोमोसोम में ये दोनों आपस में होमोलोगस क्रोमोसोम है, अगर हम इस क्रोमोसोम में देखें तो ये जो है एक क्रोमेटिड, इसी का दूसरा क्रोमेटिड, ये दोनों आपस में सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं, ये क्रोमेटिड और इसी का दूसरा वाला, ये दोनों आपस में सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं, ये दोनों क्रोमेटिड आपस में नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है, इसी तरह से ये और ये दोनों क्रोमेटिड आपस में नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हुआ करते हैं। तो जो पेयरिंग हो, जो क्रॉसिंग ओवर होगा या जो रिकॉम्बिनेशन होगा, वो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में हुआ करता है। अब इसके बाद जायगोटिन हमने पढ़ ली, जायगोटिन में क्या नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं, पैकाइटिन। पैकाइटिन में क्या होगा, तो जायगोटिन में क्या क्या हुआ था, जायगोटिन में बायोलेंट बना, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बना और साइनेप्सिस हुआ था। अब पैकाइटिन में क्या क्या होगा, पैकाइटिन में जाने के बाद ये जो सेंट्रोसोम थे, ये थोड़ा सा और मूव करना शुरू करेंगे, ये पैकाइटिन है, तो इसमें सेंट्रोसोम और मूव करना शुरू करेंगे,
जा रहे हैं। और इसके अलावा क्या हुआ? एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता हुआ दिखाई देगा। कहाँ कहाँ एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल हो रहा है? कुछ इस प्रकार से। ये यहाँ पे एक क्रोमेटिड बनाया, ये दूसरा क्रोमेटिड हो गया, दूसरा भी कुछ इसी प्रकार से बनेगा। ये क्रोमेटिड, ये दूसरा क्रोमेटिड। अब अगर हम यहाँ पे देख पा रहे हैं तो ये जो क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, ये जो रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, ये दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में हो रहा है। यहाँ पे ये प्रोटीनस कॉम्प्लेक्स अभी भी बना रहेगा लेडर लाइक, जिसको हम सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बोलते थे। इस समय पे हमें ये नोड्यूल्स दिखाई दे रहे हैं जहाँ पे रिकॉम्बिनेशन हो रहा है। तो ये जो नोड्यूल्स दिख रहे हैं इसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स। अभी जहां पे रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बना वहीं पे रिकॉम्बिनेशन होने की संभावना है। जहां पे रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बनेगा वहीं पे रिकॉम्बिनेशन होने की संभावना है। और रिकॉम्बिनेशन जो होता है, रिकॉम्बिनेशन का मतलब ही होता है री, मतलब फिर से, और कॉम्बिनेशन एक नया कॉम्बिनेशन बनाना, तो उसका रिकॉम्बिनेशन मतलब होता है। तो रिकॉम्बिनेशन जो होगा इन क्रोमेटिड्स के बीच में, वो एक एंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस है, एंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस। अब जब ये एंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस है तो इसमें कोई एंजाइम काम करेगा, कौन सा एंजाइम है वो जो काम करेगा? तो होता है रिकॉम्बिनेज। रिकॉम्बिनेज नाम का एंजाइम यहाँ पे काम करेगा, और रिकॉम्बिनेज नाम का एंजाइम जब यहाँ पे काम करेगा तो हम कह सकते हैं ये रिकॉम्बिनेज एंजाइम खुद में दो एंजाइम का कॉम्बिनेशन होता है। कौन कौन सा? सबसे पहला होता है एंडोन्यूक्लियस, दूसरा होता है लाइगेज। तो एंडोन्यूक्लियस जो होगा वो मॉलिकुलर सीजर का काम करता है, लाइगेज मॉलिकुलर ग्लू का काम करता है। तो मॉलिकुलर सीजर की और मॉलिकुलर ग्लू की जरूरत क्यों पड़ी? यहाँ पे ये क्रोमेटिड था, यहाँ पे ये दूसरा क्रोमेटिड था, नॉन होमोलोग नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। अब ये दोनों क्रोमेटिड्स का जब एक्सचेंज करना है मटेरियल तो कुछ काटने के लिए चाहिए, तो एंडोन्यूक्लियस हो गया, और काटने के बाद कुछ जोड़ने के लिए चाहिए तो लाइगेज हो गया। जब कुछ कटेगा फिर कुछ नया जुड़ेगा तभी तो एक नया कॉम्बिनेशन बनेगा, जिसको हम बोलेंगे रिकॉम्बिनेशन। तो इस तरह से हमें रिकॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा पैकाइटिन में। तो पैकाइटिन में एंजाइम कौन सा काम करता है? रिकॉम्बिनेज एंजाइम, जो कि खुद में एक कॉम्बिनेशन होता है दो एंजाइम का। अब पैकाइटिन में क्रॉसिंग ओवर देखने को मिला, पैकाइटिन के बाद हम आगे चलते हैं डिप्लोटीन में। अभी भी यहाँ तक हमें जो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स वो दिखाई दे रहा है। इसके बाद हम आते हैं डिप्लोटीन में। डिप्लोटीन में क्या हो रहा होगा? डिप्लोटीन में जो सेंट्रोसोम थे अभी भी ऊपर तक जाने पहुंचने वाले हैं बिल्कुल। अब यहाँ पे डिप्लोटीन में और क्या होगा कि ये सारा सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व हो जाएगा। अब जब सारा सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व हो जाएगा तो जितनी जगह से जुड़ा हुआ था ये सब जगह से सेपरेट हो जाएगा, सिर्फ कुछ जगह से बचेगा। कहाँ से बचेगा? जहाँ पे एक्चुअल में एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल हुआ है। तो ये जो सिनेप्टोनिमल, ये जो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल है, ये एक से लेके 8 तक एक होमोलोगस पेयर के बीच में बन सकता है। एक से लेकर 8 तक होमोलोगस पेयर के बीच में सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बन सकते हैं, और जितनी जगह सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बन सकते हैं
उतनी ही जगह पॉसिबल है कि क्रॉसिंग ओवर हो जाए। नेक्स्ट इसमें क्या क्या हुआ कि जहां से क्रॉसिंग ओवर एक्चुअल में हुआ वहीं से बस ये जुड़ा रह जाएगा, बाकी सारा ये सेपरेट हो जाएगा। तो ये कुछ एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर बना लेगा, और उस एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे क्याज्माटा। कुछ किस तरह की बनेगी, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं। ये एक क्रोमोजोम कंप्लीट बन रहा था, लेकिन इसमें एक्सचेंज ऑफ मटेरियल देखने को मिला कि ये जो आर्म थी इसमें कुछ हिस्सा दूसरे वाले क्रोमोजोम का आ गया, जबकि दूसरे वाले क्रोमोजोम में कुछ हिस्सा इस क्रोमोजोम का आ गया। तो यहां से हम देख सकते हैं डिप्लोटीन में, एक सेकंड, ये किस तरह से चेंज होगा। अभी एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर बनेगी, जो ये एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर बन रही है ये डिप्लोटीन में बन रही है। अभी ये क्रोमेटिड कुछ इस तरह से गया और ऐसे, लेकिन अब धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होगा और ये इसके साथ आ जाएगा और ये इसके साथ आ जाएगा। तो यहाँ पे जितना भी साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स था, ये ग्रीन कलर का जो दिख रहा है यहाँ पे साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, वो भी डिजोल्व हो गया। तो अब अगर पूछेगा फॉर्मेशन ऑफ साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स तो जाइगोटिन लगाएंगे, और पूछेगा डिजोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स तो डिप्लोटिन लगाएंगे। तो डिप्लोटीन में ये एक्सचेंज दिखाई, अभी एक्सचेंज जो होने वाला है तो यहाँ पे एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर बनी है। इस एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं क्याज्माटा। इस जगह पे जो ये एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर दिख रही है इसको हम बोलेंगे क्याज्माटा। एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर विच इज नेम्ड एज क्याज्माटा। जब ये क्याज्माटा बन गया, तो क्याज्माटा बनने के बाद डाइकाइनेसिस एक स्टेज आती है लास्ट इस प्रोफेज वन की। डाइकाइनेसिस में होगा टर्मिनलाइजेशन ऑफ क्याज्माटा। क्याज्माटा का यहाँ पे टर्मिनलाइजेशन देखने को मिलेगा। किस तरह से होगा वो टर्मिनलाइजेशन, यहाँ पे मटेरियल जो था वो चेंज हो चुका था। जब मटेरियल चेंज हो गया तो ये दोनों सेपरेट हो गए, क्याज्माटा टर्मिनलाइज हो गया। अब जब क्याज्माटा टर्मिनलाइज हो जाएगा तो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगी। ये क्रोमोसोम था, यहाँ से ही कुछ इस प्रकार से कंप्लीट हो गया। अब ये क्रोमोसोम था, ये भी यहाँ से कुछ इस प्रकार से कंप्लीट होके सेपरेट हो जाएगा। अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं दोनों में एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल हो गया। मतलब कि इसमें ये क्रोमेटिड पेरेंटल टाइप रही, ये क्रोमेटिड पेरेंटल टाइप रही, लेकिन ये वाली क्रोमेटिड रिकॉम्बिनेंट बन गई, और इसी तरह से ये वाली क्रोमेटिड भी रिकॉम्बिनेंट बन गई। अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं इसमें चार क्रोमेटिड है और चारों एक दूसरे से डिफरेंट है। ये किसी के जैसी नहीं है, ये भी किसी के जैसी नहीं है। सेम इसी तरह से ये तो रिकॉम्बिनेंट होके बनी है और ये भी रिकॉम्बिनेंट होके बनी है। तो ये चारों जो यहाँ पे क्रोमेटिड्स दिख रहे हैं ये क्रोमेटिड्स डिफरेंट टाइप के बनेंगे। तो यहाँ पे लिप्टोटिन, जायगोटिन, पैकाइटिन, डिप्लोटिन और डायकाइनेसिस, पांचों सब फेजेस हमने पढ़ लिए। पांचों सब फेजेस पढ़ने के बाद इसके बाद यहाँ पे मेटाफेज आएगा, फिर एनाफेज और फिर टीलोफेज। तो हम आगे देखते हैं, ये एनसीईआरटी में देखते हैं एनसीईआरटी में इसमें क्या लिखा है।
मियोसिस फर्स्ट में प्रोफेज ऑफ फर्स्ट मियोसिक डिवीजन टिपिकली लॉन्गर, जो प्रोफेज फर्स्ट होता है वो लॉन्गर होता है। उसमें कौन कौन सी सब फेजेस देखने को मिलेंगी, तो लेप्टोटिन, जाइगोटिन, पैकाइटिन, डिप्लोटिन, डायगनेसिस। अब लेप्टोटिन जो होता है उसमें क्रोमोजोम ग्रेजुअली विजिबल, क्रोमोजोम विजिबल होने लग जाते हैं लाइट माइक्रोस्कोप में, क्योंकि कॉम्पैक्शन उनका देखने को मिलता है। कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमोजोम कंटिन्यूस थ्रू आउट द लेप्टोटिन, पूरे लेप्टोटिन में तो कॉम्पैक्शन चलेगा। लेप्टोटिन एक सब फेज है प्रोफेज का, तो पूरे प्रोफेज में ही कॉम्पैक्शन चलता रहता है। इसके बारे में हम बात करें तो सेकेंड फेज इसका जाइगोटिन है। जाइगोटिन में क्या होगा, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम, जिसको हम साइनेप्सिस बोलते हैं। साइनेप्सिस में होमोलोगस क्रोमोजोम की पेयरिंग होती है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ में इसको देखा जा सकता है। नेक्स्ट क्या क्या होगा, और इसमें साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनेगा। अब साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनने के साथ साथ दो क्रोमोजोम जो कि होमोलोगस थे वो होमोलोगस क्रोमोजोम साथ में आए, इसीलिए हम इसको बायवेलेंट बोलेंगे, क्योंकि उसके पास चार क्रोमेटिड थे, तो इसलिए हमने उसको टेट्राड बोला, क्योंकि हमने लास्ट में यहाँ पर देखा था ये बायवेलेंट टेट्राड कहलाएगा, क्योंकि इसके पास क्रोमेटिड चार थे। अब बायवेलेंट टेट्राड हो गया। दीज आर मोर क्लियरली विजिबल एट नेक्स्ट स्टेज। नेक्स्ट स्टेज में हम बहुत क्लियरली देख सकते हैं। नेक्स्ट कौन सी स्टेज थी, पैकाइटिन थी, उसमें एकदम क्लियर दिखेगा। द फर्स्ट टू स्टेज ऑफ प्रोफेज वन आर रिलेटिवली शॉर्ट लिव्ड। जो पहली टू दो स्टेज थी वो शॉर्ट लिव्ड होती हैं कंपेयर टू द नेक्स्ट स्टेज ऑफ द पैकाइटिन। पैकाइटिन थोड़ी सी बड़ी स्टेज होती है। पैकाइटिन में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है। अब चार क्रोमेटिड्स होते हैं, द फोर क्रोमेटिड्स ऑफ ईच बायवेलेंट क्रोमोजोम बिकम्स डिस्टिंक्ट। सारे जो चार क्रोमेटिड थे वो एकदम क्लियरली डिस्टिंक्ट हो जाएंगे, जो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं चार क्रोमेटिड। एक्चुअल में कंप्लीटली डिस्टिंक्ट नहीं होते, कुछ हद तक ये मिक्स ही होते हैं, मिक्स से मतलब कुछ हद तक पास में ही होते हैं, और एक कंप्लीटली डिस्टिंक्ट नहीं होते। हाँ डिस्टिंक्ट होते हैं, दिखाई दे जाते हैं, लेकिन इतने ज्यादा क्लियरली विजिबल नहीं होंगे। नेक्स्ट इसमें क्या हुआ, इसमें जो पैकाइटिन है, पैकाइटिन में सारे टेट्राइड इसमें क्लियर दिखाई दे जाएगा, और टेट्राइड को देखने के बाद एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल इसमें होता है, जिसको हम बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर में एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होगा। एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल कराने के लिए यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बनता है, तो जहाँ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बनेगा वहीं पॉसिबल है कि रिकॉम्बिनेशन हो जाए, लेकिन हर जगह हर रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल के पास रिकॉम्बिनेशन हो ऐसा जरूरी नहीं है। मतलब कि रिकॉम्बिनेशन के लिए जरूरी है, और रिकॉम्बिनेशन होगा तो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल जरूर बना होगा, लेकिन हर रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल के ऊपर रिकॉम्बिनेशन हो ऐसा जरूरी नहीं है। फिर से, रिकॉम्बिनेशन कराने के लिए रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल का होना जरूरी है, लेकिन सभी रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल पे रिकॉम्बिनेशन हो जाए ऐसा जरूरी नहीं है। तो क्रॉसिंग ओवर इज द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन टू होमोलोगस क्रोमोजोम। अब होमोलोगस क्रोमोजोम में भी नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में एक एंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस होती है, जहाँ पे हमने पढ़ा था रिकॉम्बिनेज नाम का एंजाइम होता है, जो कि खुद में दो एंजाइम का कॉम्बिनेशन होता है। यही एंजाइम रिकॉम्बिनेशन कराता है जेनेटिक मटेरियल का। अब क्रोमोजोम लिंक्ड एट द साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर, यहाँ पे क्रोमोजोम उस जगह से जुड़ जाते हैं जहां से क्रॉसिंग ओवर होने की संभावना होती है। तो वो कितने लोकेशंस होती हैं, एक से लेके आठ लोकेशन यहाँ पे हो सकती हैं। तो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल भी एक से लेके आठ तक बन सकते हैं, और क्रॉसिंग ओवर भी एक से लेके आठ जगह तक बन सकता है। नेक्स्ट हम बात करें डिप्लोटीन। डिप्लोटीन में क्या हुआ था, डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। तो साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स कहाँ डिसोल्व हुआ, पैकाइट डिप्लोटिन में डिजोल्व होता है। अब क्योंकि डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स हो गया है, तो यहाँ पे एक एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर बनेगी। क्यों,
जहाँ पे एक्चुअल में एक्सचेंज हुआ है जेनेटिक मटेरियल का, वहाँ पे एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर बनेगी, जैसा कि यहाँ दिखाई दे रहा है, ये एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर है। यहीं पे एक्चुअल में साइनेप्टिन जो एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल यहाँ हुआ है, तो इसको हम बोलेंगे क्याज्माटा। अभी क्याज्माटा जो था, तो क्याज्माटा कहाँ अपियर होगा? क्याज्माटा अपियर होगा डिप्लोटिन स्टेज में। नेक्स्ट, ऊसाइट ऑफ वर्टिब्रेट्स डिप्लोटिन कैन लास्ट फॉर मंथ और ईयर। मतलब यहाँ पे इस लाइन का मतलब क्या है कि जो वो, जैसे कि वर्टिब्रेट्स होता है, वर्टिब्रेट्स में फीमेल फीटस है, एग्जाम्पल के लिए वर्टिब्रेट्स में फीमेल फीटस है, उस फीमेल फीटस की ओवरी में ओसाइट्स का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है, ओसाइट्स का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है बर्थ से पहले। फीमेल फीटस की ओवरी में ओसाइट्स का डेवलपमेंट बर्थ से पहले ही शुरू हो जाता है, लेकिन वो डिप्लोटिन स्टेज में अरेस्ट हो जाता है। कब तक के लिए? टिल प्यूबर्टी। तो ये प्यूबर्टी तक डिप्लोटिन स्टेज में अरेस्ट रहेगा, और प्यूबर्टी के बाद वन बाय वन सारे ओसाइट डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। प्यूबर्टी के बाद वन बाय वन सारे ओसाइट डेवलप होना शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट, फिर से ये अरेस्ट हो जाते हैं मेटाफेज सेकेंड में, और मेटाफेज सेकेंड में अरेस्ट होने के बाद फिर जब फर्टिलाइजेशन होता है तभी वो अपना मियोसिस कंप्लीट कर पाता है। तो इसीलिए जो 95% इंटरफेज टाइम लेता था और 5% टाइम एम फेज लेता था, तो ये जस्ट अपोजिट पलट जाएगा ये, कि अगर ऐसा हुआ है डिप्लोटिन स्टेज में या अरेस्ट हो गया है, तो जो इंटरफेज था वो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए माना जाएगा एज कंपेयर टू एम फेज, क्योंकि एम फेज जो है वो बहुत ज्यादा लॉन्गर हो गया। कितना? लास्ट मंथ टू ईयर। मतलब कि अगर प्यूबर्टी भी ऑब्जर्व करें किसी भी फीमेल में, तो प्यूबर्टी अप्रोक्स 12 to 14 ईयर में प्यूबर्टी होती है। नेक्स्ट क्या है? इस फेज का फाइनल स्टेज है, इस फेज का फाइनल स्टेज क्या? डायकाइनेसिस। डायकाइनेसिस में क्या होगा? टर्मिनलाइजेशन ऑफ क्याज्माटा। टर्मिनलाइजेशन ऑफ क्याज्माटा का मतलब है कि जो क्याज्माटा बना था वो सेपरेट हो जाएगा, और क्याज्माटा जब सेपरेट होगा तो वहां पे मटेरियल का एक्सचेंज हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पे हमें एक्सचेंज्ड मटेरियल देखने को मिल रहा है इन दोनों क्रोमेटिड्स के बीच में। नेक्स्ट क्या है? ड्यूरिंग दिस फेज क्रोमोसोम आर फुल्ली कंडेंस्ड एंड द मियोटिक स्पिंडल इज असेंबल्ड। जो मियोटिक स्पिंडल है वो असेंबल हो जाएंगे टू प्रिपेयर द होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम यहाँ पे सेपरेट हो जाएंगे। बाय द एंड ऑफ डायकाइनेसिस न्यूक्लियोलस डिसअपियर एंड न्यूक्लियर एनवेलप ऑल्सो ब्रेक डाउन। डायकाइनेसिस रिप्रेजेंट द ट्रांजिशन टू मेटाफेज। तो डायकाइनेसिस जो होती है, ये हमने डायकाइनेसिस पढ़ा था, तो यहाँ पे एक पॉइंट ऐड करेंगे कि डायकाइनेसिस एक्चुअल में ट्रांजिशन टू मेटाफेज को रिप्रेजेंट करती है। मतलब कि यहाँ से डायकाइनेसिस में हम मान लेंगे कि एंड ऑफ प्रोफेज हो गया और मेटाफेज में एंट्री होनी शुरू हो गई है। साथ में ये जो न्यूक्लियर एनवलप है वो न्यूक्लियर एनवलप भी टूटना शुरू हो जाएगी, न्यूक्लियर एनवलप भी टूट जाएगी। न्यूक्लियर एनवलप टूटने के साथ साथ डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस का भी डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने देखा प्रोफेज वन। प्रोफेज वन के बाद हम बात करते हैं मेटाफेज वन की। तो मेटाफेज वन में हम क्या देखते हैं? जो मेटाफेज वन है, जैसा कि मेटाफेज में माइटोसिस के मेटाफेज में कुछ ऐसा हुआ था कि सारे, जैसे अगर किसी पास 46 क्रोमोसोम है तो सारे 46 क्रोमोसोम एक ही मेटाफेजिक प्लेट पर अरेंज हो गए थे, और सारे एक बार में स्प्लिट हो गए थे। जब जितने भी क्रोमोसोम थे सभी स्प्लिट होने के बाद नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल हो गया था, लेकिन मेटाफेज वन में दो मेटाफेजिक प्लेट बनेंगी। मेटाफेज वन में दो मेटाफेजिक प्लेट बनेंगी कुछ इस प्रकार से, जैसे कि उसमें एक बन रही थी तो यहाँ पे दो बनेंगी। दो मेटाफिजिक प्लेट में मान लो किसी के पास अगर 46 क्रोमोसोम है, तो 23 क्रोमोसोम
एक मेटाफिजिक प्लेट पर अरेंज होंगे, ये हैप्लोइड सेट हो गया, दूसरा हैप्लोइड सेट इसका इधर अरेंज होगा। मतलब 46 में क्या था, 46 में 23 प्लस 23 थे, 23 को एन से रिप्रेजेंट करते हैं, इस 23 को अभी एन से रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब एक मेटाफिजिक प्लेट और ये दूसरी मेटाफिजिक प्लेट, इस पे एन अरेंज हो गया, इस पे एन अरेंज हो गया, तो ये होगा मेटाफेज वन। फिर क्या होगा इसमें, मेटाफेज वन में ये अरेंज होने के बाद यहाँ से सेंट्रियोल के द्वारा, सेंट्रोसोम के द्वारा ही कुछ इस तरह से स्पिंडल से अरेंज हो जाएंगी। अब इस क्रोमोसोम में अगर हम ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे एक साइड सभी क्रोमोसोम की फ्री है। जब एक साइड सभी क्रोमोसोम की फ्री है, अपोजिट पोल से इन क्रोमोसोम को खींचा नहीं जाएगा, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में खींचा जाएगा, तो यहाँ पे स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमेयर नहीं होगा। अब स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमेयर नहीं होगा तो यहाँ पे जो मेटाफेज है उस मेटाफेज में नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहेंगे, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमेयर होगा नहीं। एनाफेज में क्या होगा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम वही रहेंगे अभी, क्योंकि सेल डिवाइड नहीं किया, जब सेल डिवाइड करेगी तब नंबर ऑफ क्रोमोसोम चेंज होगा। तो कैसे नंबर ऑफ क्रोमोसोम चेंज होगा, तो स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमेयर होगा नहीं इसमें, एक क्रोमेटिड दूसरा क्रोमेटिड, एक क्रोमेटिड दूसरा क्रोमेटिड, अभी अपोजिट पोल की तरफ मूव कर रहे थे, जिस वजह से इनकी डायरेक्शन टूवर्ड्स एक्वेटर हो गई है, ये अपोजिट पोल की तरफ मूव कर रहे हैं कुछ इस प्रकार से। मतलब हम कह सकते हैं हैप्लोइड सेट एक तरफ जा रहा है और हैप्लोइड सेट एक तरफ जा रहा है। ये क्या बना, ये एनाफेज वन हो गया, ये मेटाफेज वन था, ये एनाफेज वन है। एनाफेज वन में नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर 2n था तो यहाँ पे एन एन दोनों साइड जा रहे हैं अपोजिट पोल की तरफ, और ये टीलोफेज में जाके, टीलोफेज वन में जाके ये सेपरेट हो जाएंगे कुछ इस प्रकार से। अगर इसमें देखें तो टोटल पहले 8 क्रोमोसोम थे, अब एक में ही 4 आ गए और दूसरी में भी 4 आ गए, तो ये दोनों सेल्स जो बनी ये टीलोफेज में बनी, तो ये टीलोफेज फर्स्ट कहलाएगा। अगर यहाँ पे 2n था, अगर यहाँ पे 2n था, यहाँ 2n था, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हाफ सेट रह गया और यहाँ भी हाफ सेट रह गया, तो ये हैप्लॉयड हो गए। तो यहाँ पे हमने पढ़ा मियोसिस फर्स्ट, जो कि रिडक्शनल डिवीजन होता है, अगर पेरेंट सेल से कंपेयर करें तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम डॉटर सेल में हाफ हो जाता है। अब यहीं से मियोसिस सेकंड में, प्रोफेज सेकंड की बात करेंगे तो प्रोफेज सेकंड में इसके बीच में इंटरकाइनेसिस आता है, जिसमें कि पूर्ति की जाती है किस चीज़ की, जैसे कि एटीपी कम हो गया तो उसकी पूर्ति की जाएगी, थोड़ी बहुत प्रोटीन कम है तो उसकी पूर्ति की जाएगी। अब एटीपी की पूर्ति की जाएगी तो उसको हम इंटरकाइनेसिस बोल देते हैं, स्मॉलेस्ट प्रिपरेटरी फेज हुआ करता है वो दो मियोसिस के बीच में, मतलब मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड के बीच में। अब मियोसिस सेकंड जो आएगा उसमें प्रोफेज वन, जो ये था टीलोफेज वन, इसमें डिकंडेंसेशन नहीं होता, पार्शियली डिकंडेंसेशन हम बोल सकते हैं लेकिन इसमें डिकंडेंसेशन नहीं होगा। डिकंडेंसेशन नहीं होगा तो प्रोफेज वन में कंडेंसेशन फिर से नहीं करना पड़ेगा। अब जब प्रोफेज वन में कंडेंसेशन नहीं करना पड़ेगा तो वो आगे कंटिन्यू जाएगा, और कंटिन्यू होने के बाद सीधे मेटाफेज में हम इसकी बात करते हैं, तो मेटाफेज में क्या होगा, एक ही सेल में हैप्लोइड सेट बचा है, तो हैप्लोइड सेट मेटाफेजिक प्लेट पर अरेंज हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। ये अरेंज हो गया, यहाँ पे एक मेटाफिजिक प्लेट दिखाई दे रही है। अभी एक मेटाफिजिक प्लेट जो दिख रही है तो इस पे एक ही हैप्लोइड सेट अरेंज है, जिससे कि हमने मेटाफेज फर्स्ट में देखा था कि
वहाँ पे दो है मेटाफिजिक प्लेट थी, तो उसमें एक प्लेट पे एक सेट अरेंज था और दूसरे प्लेट पे दूसरा सेट अरेंज था, लेकिन यहाँ पे सेट ही एक बचा है तो उसके लिए एक ही मेटाफिजिक प्लेट बनेगी और पूरा सेट इसी पर अरेंज हो जाएगा। तो ये क्या लाएगा, मेटाफेज सेकंड। अब इसके बाद आता है एनाफेज सेकंड। तो एनाफेज सेकंड में क्या होगा, एनाफेज सेकंड में स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमेयर देखने को मिलेगा, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम इसमें डबल दिखाई देंगे। किस तरह से डबल दिखाई देंगे, नंबर ऑफ क्रोमोसोम काउंटेड बाय नंबर ऑफ सेंट्रोमेयर, नंबर ऑफ क्रोमोसोम काउंटेड बाय नंबर ऑफ सेंट्रोमेयर। तो यहाँ पे हुआ क्या, नंबर ऑफ सेंट्रोमेयर में एक दो तीन चार, तो यहाँ पे चार क्रोमोसोम दिखाई दे रहे हैं जो कि हैप्लॉइड थे। यहाँ पे एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, यहाँ पे आठ क्रोमोसोम दिखाई दे रहे हैं, मतलब हम कह सकते हैं टू एन कंडीशन। लेकिन टीलोफेज में जैसे ही पहुंचेंगे, तो टीलोफेज में पहुंचने के बाद वापस से एन कंडीशन फिर से आ जाएगी। ये थी एनाफेज सेकंड। अब आता है टीलोफेज सेकंड। टीलोफेज सेकंड में एक न्यूक्लियस, यहाँ पे चार क्रोमोसोम हो गए, ऐसे ही एक दूसरी सेल बन जाएगी। क्यों, क्योंकि ये सेल एक डॉटर सेल से बनी थी। अब एक और भी इसमें पैरेलल डिवीजन चल रहा था, तो यहाँ पे चार डॉटर सेल ये बन जाएंगे और चारों के पास हैप्लोइड सेट देखने को मिलेगा, ये सब हैप्लोइड, तो चार डॉटर सेल बन जाएंगे। इस तरह से मियोसिस सेकंड भी कंप्लीट हो जाता है। मियोसिस सेकंड को अगर यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे हमें प्रोफेज वन दिखाई दे रहा है, ये मेटाफेज वन। मेटाफेज वन में हम एक चीज ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि प्रोफेज वन में एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है, तो यहाँ से ये एक क्रोमेटिड हमें दिख रहा है जो कि डिफरेंट है, इस वाले में एक क्रोमेटिड हमें दिख रहा है जो डिफरेंट है, इसमें भी एक क्रोमेटिड डिफरेंट है और इसमें भी एक क्रोमेटिड डिफरेंट है, तो ये रिकॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पे कितने क्रोमेटिड्स हैं एक क्रोमोसोम के पास, तो यहाँ पे दो क्रोमेटिड दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पे अभी डुप्लीकेटेड है, यहाँ भी ये सब डुप्लीकेटेड है, तो मेटाफेज वन रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ भी डुप्लीकेटेड है, ये एनाफेज वन रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे सेपरेट होगा लेकिन है अभी भी डुप्लीकेटेड, तो टीलोफेज वन को रिप्रेजेंट कर रहा है। प्रोफेज सेकंड क्या था, प्रोफेज सेकंड मियोसिस सेकंड रिजेंबल्स लाइक माइटोसिस, माइटोसिस की तरह ही है, क्रोमोसोम अलाइन हो जाएंगे मेटाफेज सेकंड में, एनाफेज सेकंड में वो स्प्लिट हो जाएंगे, नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल दिखाई देंगे। तो कुछ इस प्रकार से ये एक्सचेंज दिखाई दे रहा है हमें। जहां भी एक्सचेंज दिखाई दे, तो हमें समझ जाना है कि ये जो स्टेजेस दी हुई हैं, ये स्टेजेस मियोसिस की है, ये स्टेजेस मियोसिस की हैं, जैसे ये दिखाई दे रही है चेंज्ड है, ये स्टेजेस मियोसिस की है। तो कंडेंसेशन पहले से था ही लगभग, ये एक मेटाफिजिक प्लेट बनी, यहाँ पे स्प्लिट हुआ, अगर यहाँ पे एन था, यहाँ पे अगर एन था तो यहाँ पे टू एन फिर से हो गया, और फिर यहाँ पे एन एन, टू एन से एन एन बट जाएगा, इधर अगर टू एन था तो इधर एन और इधर भी एन, इस तरह से सेपरेट हो जाएगा। तो यहाँ पे टीलोफेज सेकंड भी इस तरह से खत्म हो गया। नेक्स्ट बचा सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस हमने पढ़ा ही था, मियोसिस क्यों जरूरी था, तो गैमेट बनाने के लिए मियोसिस जरूरी होता है, कंजर्वेशन ऑफ स्पेसिफिक क्रोमोसोम नंबर। अब स्पेसिफिक क्रोमोसोम नंबर स्पेसीज में जितना होता है उसको कंजर्व करने के लिए, कहीं बढ़ ना जाए, डबल ना हो जाए, इसके लिए इसका यूज करते हैं। जनरेशन एंड सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग, मतलब कि जो जनरेशन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं उसको, उसमें मियोसिस देखने को मिलता है, इवन दो द प्रोसेस पर से पैराडॉक्सिकली रिजल्ट इन रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम नंबर बाय नल बाय हाफ। होता क्या है कि इसको कहा जाता है कि मियोसिस जो होता है, मियोसिस एक रिडक्शनल डिवीजन है, रिडक्शनल डिवीजन है, पर रिडक्शनल डिवीजन होते हुए भी
आपकी नंबर ऑफ क्रोमोसोम को बैलेंस कैसे कर रहा है, ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम को रिड्यूस कैसे, री स्टेबलाइज कैसे कर रहा है, तो हमने ऊपर देखा था। तो उसको नॉर्मलाइज करने के लिए कुछ इस प्रकार से, जैसे कि 46 क्रोमोसोम थे, इधर 46 क्रोमोसोम थे, अगर मियोसिस से गैमिट बनेंगे तो 23, इधर 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम तो हाफ हो गए। लेकिन जब फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद जो 46 क्रोमोसोम का जो जायगोट बनेगा, उस जायगोट में अगर हम देखें इस पेरेंट को और इस जायगोट को, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम दोनों में सेम है। तो इस नंबर ऑफ क्रोमोसोम को रिस्टेबलाइज कराने के लिए मियोसिस का यूज होता है। और क्या होगा इसमें, इंक्रीज द जेनेटिक वेरिएबिलिटी, जेनेटिक वेरिएबिलिटी इंक्रीज होगी कि यहाँ से जब गैमेट बना था तो एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल हुआ था, जैसे कि यहाँ पे रिकॉम्बिनेटेड क्रोमेटेड दिखाई दे रहा है, ये रिकॉम्बिनेटेड क्रोमेटेड दिखाई दे रहा है, ये रिकॉम्बिनेटेड क्रोमेटेड दिखाई दे रहा है। तो जहाँ पे ये रिकॉम्बिनेटेड क्रोमेटेड जाएंगे तो वहां पे संभावना है कि एक नया वेरिएंट देखने को मिलेगा। तो वेरिएशन के लिए भी काफी रेस्पॉन्सिबल हुआ करता है, जेनेटिक वेरिएशन आती है। तो पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में यहाँ पे जेनेटिक वेरिएबिलिटी देखने को मिलेगी। वेरिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इवोल्यूशन। इस तरह से ये चैप्टर भी समाप्त होता है। थैंक यू।